हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनेगी और मेरी ख़ुद की रेसिपी है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ये 1 किलो बीफ लिया है और उसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है 1.5 टेबल स्पून। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून कोरमा मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का बनेगा ये। अभी मैंने इसको इसमें शामिल करना है हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डालना है। अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। अभी मैंने इसको मैंने मैरिनेट करके रखना है। तो मैंने इसको बनाने लगी थी तो मैंने कहा टाइम है तो इस वजह से, तो फिर मेहमान जल्दी आ गए तो इसलिए फिर मैंने इसको मैरिनेट ज़्यादा देर नहीं किया, तो फिर मैंने इसको दूसरे तरीके से बनाया, तो उसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको मैंने ब्राउन करना है और ब्राउन करके निकाल लेना है 1 प्लेट में। और फिर उसके बाद आपको बताया है मैं अभी इस तरीके से इसको बनाऊंगी, ये रेसिपी आप लोग फॉलो करें। अभी मैंने इसे कुकर में डाल दिया है और प्रेशर कुकर में सारे मैरिनेट किया हुआ मसाला और बीफ, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर 2 अदद जिनको मैंने पीस लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के, और मैंने प्रेशर कुकर को रख देना है चूल्हे पे 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो अभी देखिए मैंने इसको 10 से 15 मिनट के बाद इसे प्रेशर कुकर से निकाल दिया था, तो अभी मैंने फिर इसको कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म किया और फिर इसमें साबुत ज़ीरा, इलायची, लौंग, इसको लाइट ब्राउन सा करके फिर उसके बाद मैंने ये प्रेशर कुकर से सारा बीफ निकाल के मसाले समेत ये मैंने कढ़ाई में इसको डाल दिया है। अभी मैं इसमें कढ़ाई में इसकी भुनाई करूँगी, और मैंने दही लिया है 3 टेबल स्पून और उसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, और ये प्याज है जिन्हें इसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था और अब मैंने इसमें शामिल किया है इसको अच्छे से मिक्स करके, और इस दही को मैंने अब इस मसाले में अच्छे से भून लेना है। हमने अब इस मसाले की सारी से अच्छे से भुनाई करनी है ताकि हमारा बीफ बड़े ही मज़े का और अच्छा बने। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद आलू दरमियाने साइज़ के लिए थे, ये बच्चों की वजह से मैंने डाल दिए इसमें, जिससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें शामिल करने चाहो तो ज़रूर करें, वरना तो आपकी मर्ज़ी। अभी मैंने इसमें साबित हरी मिर्चें डाली हैं 5 अदद और मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, हमारा मसाला और ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए और बहुत ही टेस्टी बना था। अभी हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और मैंने इसमें डाला है सूखा मेथी 1 टेबल स्पून और फिर उसके बाद 1 मिनट उसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ग्रेवी के लिए। तो अभी देखें हमारा ये पानी अच्छे से पक जाएगा, पूरा बीफ अच्छे से तैयार हो जाएगा, और मैंने थोड़ी सी धनिया डाल दी थी। अब मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, हमारा मज़ेदार सा बीफ तैयार हो जाए। और अभी हमारा बस बीफ ग्रेवी तैयार हो चुका है, तो मैं अभी से डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छा और मज़ेदार टेस्टी सा बीफ तैयार हो चुका है ग्रेवी वाला। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी है, मैंने ट्राई की है, बहुत ही मज़े का और अच्छा बना था।
प्लीज़ 5 मिनट की वीडियो है, प्लीज़ इसे फुल वॉच कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा।